मैं रंजना आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, मैं और आप, हम दोनों ही, मेरी ऑडियंस और मैं, हम अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी परवरिश करना चाहते हैं और करते भी हैं। क्या हम लोगों ने सोचा कि हम बच्चे की अच्छी परवरिश तो करते हैं, उसके साथ में पॉजिटिव परवरिश करें। अब आप बोलेंगे कि अच्छी परवरिश तो हम सबने सुना है, ये पॉजिटिव परवरिश क्या है? जी हाँ हाँ, ये पॉजिटिव परवरिश जब आप करेंगे तो आपको अच्छी परवरिश, कि मैं बहुत अच्छी परवरिश करूं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो परवरिश अपने आप ही अच्छी हो जाएगी जब आप अपनी सोच, अपनी नेगेटिव सोच को बच्चे के ऊपर नहीं जाने देंगे। होता ही है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप अपने बच्चे को लेके कहीं मंदिर गए या फिर कहीं मॉल वगैरह गए। मान लीजिए आप मंदिर गए, मंदिर जाते हैं आप बच्चे के साथ, या फिर कहीं फल फ्रूट सब्जी लेने, कहीं पर भी आप अपने बच्चे के साथ सड़क पे निकलते हैं, वहां पर आपको एक भैया हट्टा कट्टा बिल्कुल अच्छा आदमी झाड़ू लगाते हुए सुबह के टाइम अधिकतर या फिर शाम के टाइम मिल ही जाते हैं। झाड़ू लगाते हैं, वो साफ सफाई करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका काम है, वो अपना काम करते हैं। तो आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगी? तुरंत ही हम पेरेंट्स बोलते हैं, देखा पढ़ेगा नहीं तो तुझे ऐसे ही झाड़ू लगानी पड़ेगी, तू ऐसे ही काम करेगा, या फिर सब्जी लेने गए हैं, पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी भर तुझे सब्जी ही बेचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या किसी भिखारी को हम भीख मांगते हुए देख लेते हैं तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं पढ़ने, वरना ऐसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चे को। वही अगर दूसरी तरफ जो दूसरी माँ होगी, ये तो नेगेटिव माँ होगी, जो पॉजिटिव सोचेगी, जिसकी सोच इतनी तरोताजा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रहेगी, क्योंकि उसकी सोच हर चीज में पॉजिटिव है, हर चीज में अच्छा देखती है। जब आप अपने नजरिए को बदलेंगे ना तो हर चीज इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी पॉजिटिव लगने लगती है, ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आप सोच के देखिएगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आप 101% आप वो पक्का वो काम कर लेंगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा। आपके दिमाग में थॉट आया ही नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आप जो पॉजिटिव माँ है वो बोलेगी बेटा आप पढ़ लिख लीजिए ताकि आप ऐसे लोगों की मदद भी कर सके। आप खुद का तो पालन पोषण करें ही, साथ ही आप ऐसे लोगों की मदद भी कर सकेंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। अब बच्चे के दिल में क्या, दिमाग में क्या आया? बिल्कुल कि पढ़ाई जो है, पढ़कर बहुत अच्छी चीज है, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए दूसरों की भी हम मदद कर सकते हैं पढ़ाई के द्वारा। तो एक पॉजिटिव जो एक सोच होती है, जो एक पॉजिटिव थॉट होता है, उस माँ ने अपने बच्चे के दिल में वो डाला, दिमाग में डाला, और उस माँ ने दिमाग में क्या डाला कि पढ़ ले नहीं तो तुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, तुझे सब्जी बेचनी पड़ेगी, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे भीख मांगनी पड़ेगी। तो दोनों ही माओं में फर्क है। बच्चे को पढ़ाई इतनी बोरिंग लगने लगती है क्योंकि हमेशा हर वक्त पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ये हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल चलाएगा, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। आप जब बच्चों को हर चीज पॉजिटिव सोचना बोलना सिखाएंगे, बच्चा ऑटोमेटिक ही पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेगा, अच्छे संस्कार भी सीखेगा, अच्छी बातों को ही वो सुनना पसंद करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा। बच्चा हमारा जब भी स्कूल से आता है या फिर स्कूल जाता है तो हमारे, हम उससे क्या बोलते हैं? फिर यहाँ पर वही पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव सोचेगी माँ, वो बच्चे के स्कूल से आते ही आज क्या किया तुमने स्कूल में, हे भगवान किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करके आ गया, तो कपड़े देख तूने क्या हालत खराब कर रखी है, पक्का कॉपी वॉपी फाड़ के लेकर आया होगा, तूने अपने टीचर से डांट खाई होगी, तेरे काम ही ऐसे हैं, तू एक भी काम अच्छा ही नहीं करता है, तू कोई काम सही से कर ही नहीं सकता, ना पढ़ाई ना लिखाई। अब क्या, वो जो बच्चा है ना, जो उससे गलत चीजें हुई स्कूल में, वो बिल्कुल उस चीज को एकदम से सोचने लगेगा, सोचता ही रहेगा कि आज तो मैंने स्कूल में सब कुछ गलत ही किया, मेरे से सारी गलतियां ही होती है, मैं कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं सकता हूँ। अब क्या हुआ, अपने बच्चे के दिमाग में वो नेगेटिव थॉट जो है, अपनी नकारात्मक सोच उस बच्चे के दिमाग में डाल दी। अब वो बेचारे का स्कूल का जो टाइम तो उसका खराब हुआ ही, मान लीजिए उसने डांट खाई हो या कोई काम उससे भी, वो घर आके भी जो उसका बचा कुचा आधा दिन है वो भी उसका ऐसे ही चला जाएगा, ये सोचने में कि आज मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की और दूसरों के साथ मैंने अच्छा सा बिहेव भी नहीं किया। वही दूसरी तरफ जो पॉजिटिव सोचेगा और हमें सोचना चाहिए, वही दूसरी तरफ हम बोलेंगे बच्चा स्कूल से आए ना, नेगेटिव चीज पूछने के बजाय आप उसे पॉजिटिव बातें कीजिए। आप उससे पूछिए
अच्छा बेटा, आप स्कूल से आ गए, कैसा रहा आपका दिन? अच्छा ही रहा होगा क्योंकि वहां पर तो सारे फ्रेंड्स लोग मिलते हैं। और आज आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया? अच्छा, किस किस दोस्त को आज आपने अपनी बातों से बहुत हंसाया? बेटा, आपका कौन सा वो मोमेंट था जहां आपको लगा कि आज मुझे बहुत मजा आया? या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट या कौन सी टीचर आई, उसने ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जिसमें आपको बेटा बहुत मजा आया? चलो अपनी कॉपी दिखाओ। वाह, इतने सारे गुड मिले हैं। और मान लो गुड वगैरह नहीं भी मिले तो भी आप उसको बोल दीजिए, आज तो कितनी अच्छी राइटिंग लिखी है भाई मेरे बच्चे ने। जब भी हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं ना, बॉय हो या गर्ल, हमेशा उसको पॉजिटिव चीजें पूछे। वो बच्चे की आप हैंड राइटिंग की थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, इतना खुश हो जाएगा बच्चा। अगर उसको गुड, वेरी गुड वगैरह छोटे बच्चों को मिलते ही रहते तो बोलिए, अरे वाह, आज तो मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी राइटिंग है, बहुत प्यारा। तो वो क्या हो गया, जो उसके साथ गलत चीजें हुई थी स्कूल में, उसको भूल जाएगा और उसको लगेगा कि स्कूल कितना अच्छा है। तो वो बिना रोए स्कूल जाने के लिए भी तैयार रहेगा, बिना आनाकानी करे वो अपनी स्टडी के लिए भी तैयार रहेगा, अपना होमवर्क भी अच्छे से करेगा। और स्कूल में जो उसका टाइम बीतता है 4 से 5 से 6 घंटे, वो भी वो बहुत ही आराम से बिताएगा, खुशी खुशी सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्योंकि वो इतने एंजॉय के साथ करेगा ना, बोरिंग तो उसके लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ना पढ़ाई, ना स्कूल जाना, ना घर पे आते होमवर्क करना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है हमारा, जब भी हमारा बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है, पार्क में जाता है, या मान लीजिए संडे है, छुट्टी है, वो सवेरे खेलने के लिए चला गया, उसने अपनी साइकिल निकाली या फिर बैट बॉल ले लिया, फुटबॉल ले लिया, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे देखना बॉल खो गए मत आ जाना, अरे देखना फुटबॉल फटनी नहीं चाहिए, साइकिल से तो गिरना नहीं चाहिए। अभी तो बच्चा गया ही नहीं, उसने साइकिल चलाया ही नहीं, फुटबॉल लेके घर से बाहर निकला ही नहीं, बैट बॉल उसने खेला ही नहीं, बैट को पकड़ा ही नहीं, आपने पहले ही उसको बोल दिया आप गिर जाओगे, आपकी फुटबॉल खो जाएगी, या आपकी जो क्रिकेट खेलते हैं वाली बॉल खो जाएगी, आप साइकिल चलाओगे आप गिर जाओगे। बहुत सी माएँ होती है बोलती, देखना आज जाना तो झगड़ा करके मत आना खेलने के लिए, जब भी आप खेलने के लिए जाते हो, जब भी झगड़ा करके आते हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बच्चे का पूरा मूड खराब हो जाता है, सारी उसकी नेगेटिव जो बातें उसके दिमाग में भर जाता है, वो पक्का साइकिल से भी गिरेगा, उसकी बॉल भी खोएगी और उसका झगड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले उसको बोल दिया कि तू ऐसा करेगा, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं वो बात होगी और उसको वो जो गुस्सा भरा होगा किसी से भी, वो जब किसी के साथ खेलेगा कुछ ना कुछ उसका बेचारे का गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए जब भी बच्चा खेलने के लिए जाता है, आप उसको बोलिए पॉजिटिव होकर, अरे वाह, आज तो मेरा बेटा फुटबॉल के लेके जा रहा है, गुड बेटा, आज तो ऐसी किक मारना कि कोई तेरे आसपास भी ना फटके, और फुटबॉल को सीधा तुम गोल करके ही आना। तो वो क्या सोचेगा, हाँ मेरे पापा या फिर मम्मी ने तो ऐसे ही बोला, आज तो मुझे गोल करके ही जाना है। वो इतना खुश हो जाएगा ना, अपने खेल कूद को भी इतना एंजॉय करेगा, बिल्कुल खुशी खुशी करेगा, उसको किसी चीज का वो रहेगा नहीं। तो हमेशा अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रहिए, उसको पॉजिटिव बातें बताइए, हर चीज में खूबियां होती हैं। देखिए, अगर आप किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में अगर आप ऐसे गलत गलत सोचेंगे ना, सब कुछ गलत ही नजर आएगा। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें बताइए अपने बच्चे को। आपका बच्चा जो भी काम करेगा बड़ा होकर, जो कुछ भी करेगा, वो सब में अव्वल आएगा और हर एक काम में वो कामयाब होगा, क्योंकि उसने हार मानना सीखा नहीं, ना तो उसने ये सोचा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, बचपन से उसके दिमाग में ये बातें डाली गई हैं। तो बच्चा हर चीज में कामयाब होता है भाई, वो चाहे जिस भी फील्ड में जाए। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम इस वीडियो को करते हैं एंड, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के साथ कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव बात करते थे या अभी भी करते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड, आप लोग खुश रहिए, बाय।